हेलो एवरीवन, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहती हूँ। लेकिन क्या आपको पता है जिस डायपर को आप बच्चों को पहनाते हैं वो डायपर बच्चे की किडनी का कितना बड़ा दुश्मन है। दिल्ली एम्स के पीडियाट्रिक सर्जरी डिपार्टमेंट यानी बाल चिकित्सा सर्जरी डिपार्टमेंट के मुताबिक डायपर बच्चों की किडनी को खराब कर सकता है। अगर बच्चे को पहनाया गया डायपर टाइट है तो बच्चे की किडनी प्रभावित हो सकती है। पिछले साल जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग में एक रिसर्च रिपोर्ट आई थी जिससे पता चला था कि डिस्पोजेबल डायपर की वजह से छोटे बच्चों को कई तरह की बीमारियां हो सकती है। डिस्पोजेबल डायपर की वजह से छोटे बच्चों का लिवर खराब हो सकता है। लगातार डायपर पहनने की वजह से बच्चों को स्किन संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसके अलावा डायपर छोटे बच्चों में बर्थ एबनॉर्मैलिटीज का कारण भी बन सकता है। डायपर को तैयार करने में खतरनाक और प्रतिबंधित रसायन थेनेट का इस्तेमाल होता है जिससे बच्चों में हार्मोन संबंधी समस्या भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, मैं हूँ चांदनी शर्मा। तो आपको ये वीडियो दिखाने का मेरा पर्पस बिल्कुल भी आपको डराना नहीं था, आप बात को समझिए। ये वीडियो मैंने आपको इसलिए दिखाई कि मैं अपने चैनल पे हर बार आप लोगों को ये समझाती हूँ और ये बोलती हूँ कि जितना हो सके आपको अपने बच्चे को डायपर नहीं पहनाना है। तो ये वीडियो उसी के लिए मैंने आपको समझाने के लिए दिखाई है कि डायपर हमारे बच्चे के लिए किस तरीके से नुकसानदायक है, बच्चे के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है डायपर से। क्योंकि ये सबको पता है कि पहले ज़माने में डायपर नहीं हुआ करते थे। पहले ज़माने में लोग अपने बच्चों को नैपी में, कॉटन के क्लॉथ में, इन्हीं सब चीज़ों में रखते थे या डायपर फ्री रखते थे। पहले ज़माने में ये सब चीज़ें नहीं थी, तो हमें भी ये बात समझनी चाहिए कि जितना हो सके हमें अपने बच्चे को डायपर फ्री रखना है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम आपको ये बोल रहे हैं कि आप बिल्कुल ही बच्चे को डायपर ना पहनाएं। डायपर पहनाइए, लेकिन उसमें हमें कुछ 3-4 बातें ऐसी हैं जिसका हमें ध्यान रखना है। जैसे कि नंबर 1, आप बच्चे को घर में डायपर मत पहनाइए। अगर आपका बच्चा घर में है तो घर में आप हमेशा बच्चे को नैपी में या क्लॉथ डायपर आते हैं या रीयूजेबल डायपर भी आते हैं जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, आप इन सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जितना हो सके आप अपने बच्चे को घर में डायपर फ्री रखिए। करते हैं बात अब रीयूजेबल डायपर की, तो ये आप अपने बच्चे के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही कम्पिटिटिव और लो प्राइस का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो बहुत ही कम्फर्टेबल रहता है और ये कम से कम 3-4 घंटे आराम से चलता है और इसमें लीकेज की भी प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं पर्सनली अपने बच्चे के लिए इसको यूज़ करती हूँ, दिन में बिल्कुल भी अपने बच्चे को डायपर नहीं देती। अब देखते हैं कि बच्चे को कैसे पहनाते हैं। इसके अंदर जो एक ये पैड दिया होता है, आपको डायपर के अंदर इस तरीके से इसे डालना होता है। और मैं अभी वीडियो बना रही हूँ इसलिए मैं बच्चे को पैजामे के ऊपर से ही आपको पहना के दिखा रही हूँ। आपको डायरेक्ट पहनाना है, पैजामे के ऊपर से या पैंट के ऊपर से नहीं पहनाना है। ये इस तरीके से बेबी को पहनाना है। बटन्स वाला पार्ट है वो आपको ऊपर रखना है और जहाँ से आपने पैड डाला है वो उस पार्ट को नीचे रखना है। और इस तरीके से आपको दोनों तरफ से बेबी के साइज के हिसाब से बटन्स को लॉक कर देना है। मेक श्योर करना है कि ये डायपर ना बच्चे को ज्यादा टाइट लगे और ना ही लूज लगे, क्योंकि टाइट रहेगा तो बच्चा अनकंफर्टेबल फील करेगा और लूज रहेगा तो लीकेज होने के चांसेस होते हैं। फिर आपका नंबर 2 जो बात है हमें ध्यान में रखने वाली, आप बच्चे को डायपर पहना सकते हो लेकिन अगर कोई इमरजेंसी है तभी आपको अपने बच्चे को डायपर पहनाना चाहिए। जैसे कि बाहर जाते समय कोई लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हैं आप लोग, तो उस टाइम आपको अपने बच्चे को डायपर जरूर पहनाना चाहिए। या रात के टाइम आप अपने बच्चे को डायपर दे सकते हैं, लेकिन घर में जितना हो सके आपको बच्चे को डायपर फ्री रखना है। नंबर 3, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके बच्चे का डायपर ना तो ज़्यादा टाइट होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ढीला होना चाहिए। तो हमेशा आपको अपने बच्चे के डायपर के साइज़ के ऊपर ध्यान देना है, ना तो वो ज़्यादा ढीला हो और ना ही ज़्यादा टाइट हो। क्योंकि टाइट रहेगा तो बच्चे को अनकंफर्टेबल फील होगा, रैशेस हो सकते हैं, और अगर लूज़ रहेगा तो लीकेज होने के चांसेस होते हैं। और इसका टेस्ट कि आपके बच्चे का डायपर बिल्कुल ठीक है या नहीं, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि जैसे ही आपने अपने बच्चे को डायपर पहनाया, जिसे हम बोलते हैं 2-finger test, बच्चे के डायपर में 2-finger test करना है। अगर आपकी 2 उंगली अच्छे से बच्चे के डायपर में जा रही है तो इसका मतलब बच्चे का डायपर बिल्कुल ठीक है। नंबर 4, डायपर पहनाने के बीच में जब भी आप बच्चे को डायपर देते हैं या अगर बच्चा पॉटी कर देता है और आप नेक्स्ट डायपर पहनाते हैं, तो उसके बीच में कम से कम 15-20 मिनट का गैप हमेशा होना चाहिए। बच्चे के प्राइवेट पार्ट को अच्छे से वॉश करके उसको ड्राई होने दीजिए और उसके ऊपर कोकोनट ऑयल अप्लाई कीजिए। उसके बाद ही नेक्स्ट डायपर आपको अपने बच्चे को पहनाना है। मतलब कि 2 डायपर के बीच में कम से कम 15-20 मिनट का गैप हमेशा होना चाहिए। नेक्स्ट, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि डायपर बच्चे की हर 3-4 घंटे के बाद चेंज होते रहना चाहिए। और जैसे ही बच्चा अगर पॉटी कर देता है, इमीडिएटली आपको बच्चे का डायपर चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा देर तक पॉटी में रहने से बच्चे को इन्फेक्शन हो सकते हैं। इसलिए जैसे ही पॉटी करें इमीडिएटली आप अपने बच्चे का डायपर चेंज करें और 3-4 घंटे के बाद अपने बच्चे का डायपर चेंज कर दें। और अगर आपके बेबी के प्राइवेट पार्ट पर कोई इन्फेक्शन है या रेडनेस हो गई है या एलर्जी हो गई है या डायपर रैशेज हो गए हैं, तो इस दौरान आपको डायपर का यूज़ नहीं करना चाहिए। इस टाइम आप उनको नैपी पहना सकते हैं कॉटन्स की, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ पॉइंट्स थे बच्चे के डायपर से रिलेटेड जो हम आपको बताना चाहते थे। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड्स को।
कि उन्हें भी ये पता चल सके कि डायपर बच्चे के लिए कितना हानिकारक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।